टू माय चैनल सुपर डायट 220। ओके, और आज हम देखेंगे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस के ऊपर। ओके, सो ये एक मात्रा न्यूमेरिकल है तो ज्यादा सिंपल तो होंगे ही शायद। देखो कि यहाँ पे द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक है, ये नंबर गिवन था क्वेश्चन में जेस्ट के एग्जाम्पल में, ठीक है, जेस्ट का एग्जाम्पल है ना, जेस्ट का एग्जाम्पल, उसमें ये वाला क्वेश्चन गिवन था। ओके, तो क्या था द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका, तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को। तो अभी 1s कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, उसके बाद 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ओके, सो 1s कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 111 है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ दो ही तुमको बीट मिलेंगे, ठीक है, दो बीट मिलेंगे, कौन से, एक तो होगा 1 या फिर तो होगा 0। ओके, ये दो में से कोई भी बीट रहेगा, ठीक है। अभी इसका मैं 1s कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। ओके, उसके बाद इसका 0 0 0 0। ओके, तो ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन में क्या बोला था, 2s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके बोला था ना। तो अभी देखो 2s कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, सिंपली 1 ऐड कर लेंगे। ओके, तो 1 ऐड करने के बाद हमारा जो आउटपुट आएगा ना वो क्या आएगा, 0 0 0 और इसमें 0 0 0 और यहाँ पे 1। ओके, सो यही है उसका करेक्ट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। और फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक की न्यूमेरिकल में देखो अभी क्या दिया गिवन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टर्स दैट कैन बी ऑब्टेन विद द एन नंबर ऑफ 3 ओम। उसके बाद क्या है, रजिस्टर्स ईच। ओके, तो रेशियो निकालना किसमें, मैक्सिमम टू मिनिमम, इसमें रजिस्टर्स में, ठीक है। तो आपको अभी पता ही होगा कि मतलब रजिस्टर सीरीज में रहते थे, जब रजिस्टर सीरीज में रहेंगे, ठीक है, सीरीज मतलब ऐसे ही रहेंगे ना वो। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, तो उस केस में आर जो रहता है ना वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है। आर मतलब क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू सो वन। ओके, और जब रजिस्टर पैरेलल में रहते हैं, रजिस्टर पैरेलल, ओके, पैरेलल में, तब क्या रहेगा, आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। सो अभी देखो जैसे क्या बोला इसने, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, तो इस केस में जब सीरीज में लगाया रहेगा रजिस्टर तब क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। और ये जब रजिस्टर पैरेलल में रहेगा तब क्या हो जाएगा, रजिस्टर की वैल्यू ये मिनिमम रहेगी, ठीक है। तो अपने को रेशियो निकालना है किसके बीच में, मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है। तो यही कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे रजिस्टर सीरीज में लगाया ना, सीरीज में लगाए, तो जब मैक्सिमम, जैसे इसमें कितने लगाए, 3 लगाए, सो आर मैक्सिमम कितना होगा, 3 है। ओके, मैक्सिमम 3 नहीं हो सकता ना, क्योंकि एन नंबर ऑफ रजिस्टर भी लगा, ठीक है। उसके बाद आर मिनिमम, आर मिनिमम, आर मिनिमम कितना होगा, 1/3, ठीक है, क्योंकि ये तो पैरेलल में ना, ये वाला ये सीरीज में, ठीक है। तो अभी देखो इसमें मिनिमम हो जाएगा, तो उसके बाद क्या कैलकुलेट करना अपने को, रेशियो आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 1/3, सो इसका आंसर आएगा n², ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।